चाय, यह एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही लोगों के अंदर का सारा आलस दूर भाग जाता है। इसके अलावा भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सुबह की शुरुआत ही चाय से होती है। कुछ लोगों के लिए चाय इतनी जरूरी होती है कि वे चाय को अपने जीवन में जरूरी हिस्से की तरह शामिल कर लेते हैं। आज के समय में बच्चे बच्चे चाय के शौकीन होते हैं, आमतौर पर गर्मी का मौसम हो या ठंड का मौसम हो, लेकिन चाय का आनंद हर मौसम में लोग खूब लेते हैं। वहीं जब बात कुल्हड़ की चाय की आती है तो चाय के दीवाने और भी खुश हो जाते हैं। बता दें कि लोग कुल्हड़ की चाय को सर्दी के मौसम में दिन के बजाय रात को पीना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं वह हमारे लिए कितना फायदेमंद है या नहीं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुल्हड़ को मिट्टी से बनाया जाता है और इसी कुल्हड़ में हमें चाय दी जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन में ये शंका बनी होती है कि कुल्हड़ की चाय कहीं हमारे शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठते हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए ही है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कुल्हड़ की चाय हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुल्हड़ की चाय पीने से हमारे सेहत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि हमारे सेहत को और भी फायदा ही पहुंचता। अगर हम चाय को कुल्हड़ में पीते हैं तो इससे चाय की गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। कई दुकानें ऐसी होती है जहां चाय को प्लास्टिक के ग्लास या फिर शीशे के ग्लास में दिए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी चीज़ों में चाय पीने से हमारे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसमें चाय पीने से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर पाचन संबंधी जैसी समस्याएँ भी हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि जब चाय गर्म होती है और उसे प्लास्टिक की ग्लास में डाला जाता है तो उसमें मौजूद केमिकल चाय गर्म होने के कारण चाय में घुल जाती है और फिर हम उसी चाय को पी लेते हैं, जिससे हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने की संभावना हो जाती है। वहीं अगर हम शीशे के ग्लास में चाय पीते हैं तो वह भी हमारे सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता। हम अपने आसपास के दुकानों में देखते हैं कि दुकानदार शीशे के ग्लास को धोकर कई लोगों को उसी ग्लास से चाय पिलाते हैं। वहीं कई बार ऐसा होता है कि ग्लास को साफ तरीके से नहीं धोया जाता, जिस वजह से इन्फेक्शन फैलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। बता दें कि एक शोध के अनुसार यह बताया गया है कि अगर मिट्टी के बर्तन में किसी खाने को बनाया जाए या पकाया जाए तो उस पर भोजन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हम मिट्टी के बर्तन में पानी भी पीते हैं तो वो हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो जाता है। इन्हीं कारणों से हमारी संस्कृति में भी मिट्टी के बर्तन का उल्लेख मिलता है और इसके अलावा पुराने समय में हमारे पूर्वज मिट्टी के बर्तन में ही भोजन खाते थे या पानी पीते थे, और यही वजह थी कि पुराने जमाने के लोग सेहत से काफी अच्छे हुआ करते थे। बताते चले कि रिसर्च में बताया गया है कि मिट्टी के बर्तन में जब हम खाने या पीने वाली चीजों को डालते हैं तो बर्तन में मौजूद कैल्शियम खाद्य पदार्थों के साथ मिल जाते हैं और वे फिर हमारे शरीर में आ जाते हैं। जब भी कोई मिट्टी के बर्तन में खाने को बनाता है तो बर्तन खाने के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करके रखता है। ठीक उसी प्रकार जब बात कुल्हड़ के चाय की आती है तो उसमें भी चाय के सारे पोषक तत्व प्रिजर्व होकर रहते हैं। मिट्टी के बर्तन के अलावा लोग अपनी सेहत को सही बनाए रखने के लिए कॉपर और सिल्वर के बर्तन में भी खाना खा सकते हैं, परंतु यह काफी ज्यादा महंगे होते हैं, जिस वजह से लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते। ऐसे में मिट्टी के बर्तन को सबसे बजट फ्रेंडली माना गया है, जो किसी भी प्रकार के लोगों की पहुंच तक का है। चलिए अब हम आपको मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीने के फायदे बताते हैं। मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है और जब कुल्हड़ को मिट्टी से बनाया जाता है तो कैल्शियम की मात्रा कुल्हड़ में भी मौजूद होती है, और जब हम कुल्हड़ के चाय को पीते हैं तो हमारे शरीर को सीमित मात्रा में कैल्शियम की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह हमारे शरीर के एसिडिक नेचर को कम कर देता है। यह गैस तथा एसिडिटी जैसी समस्याओं में भी कारगर साबित होता है। वहीं जब हम कुल्हड़ की चाय पीते हैं तो कुल्हड़ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते। इसके साथ ही कुल्हड़ को एक बार ही उपयोग में लाया जाता है, जिस कारण बैक्टीरिया फैलने की संभावना और भी कम हो जाती है। कुल्हड़ में अल्कालाइन भी पाया जाता है, जिस वजह से हमारे पेट में एसिड नहीं बनने देता। इसके अलावा चाय पीने के बाद अगर आपको खट्टी ढकार होती है और पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं तो कुल्हड़ का चाय आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही कुल्हड़ इको फ्रेंडली होता है, जिस वजह से यह हमारे वातावरण को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि मिट्टी से बना यह कुल्हड़ बाद में खुद मिट्टी में ही तब्दील हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।